हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पथ में। दोस्तों मैं सचिन मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग का पांचवा लेक्चर है। यदि प्रीवियस चारों लेक्चर की बात करें दोस्तों, उसमें हमने अपना दो टाइप यानी कि लेटर टू लेटर और लेटर टू डिजिट को कवर किया है। दोस्तों आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना तीसरा टाइप कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अपना तीसरा टाइप है दोस्तों कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, यदि कॉमन डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग की बात करें दोस्तों, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें कॉमन कोडिंग डिकोडिंग से। क्वेश्चन में क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पिट नी टॉम का अर्थ है एप्पल इज ग्रीन और नी फॉर हो का अर्थ है ग्रीन एंड व्हाइट, हो टॉम का अर्थ है शर्ट इज व्हाइट, तो उसी भाषा में एप्पल का कोड आपसे पूछ रहा है, एप्पल का कोड आपसे पूछ रहा है। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, सीखते हैं कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों क्या है, इसको आप पहले नंबर पर कर दीजिए। क्या है, पिट एंड ए नी, टॉम कोड है क्या ए, एप्पल इज ग्रीन। दूसरा सेंटेंस क्या है, नी फॉर हो का कोड क्या है ग्रीन एंड व्हाइट, जी आर ग्रीन एंड व्हाइट। तीसरा सेंटेंस क्या दिया है, हो टॉम का अर्थ है शर्ट इज व्हाइट। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए सीखते हैं। पहले हम देखेंगे अपना ये हो गया सेंटेंस एक, ये दो, ये तीसरा। अब इसमें दोस्तों आप चेक करिए क्या क्या कॉमन है, जिसे आप देखो यदि एक दो को चेक करें तो यहाँ पे आपको देख रहा है कि ग्रीन यहाँ पे भी है और ग्रीन यहाँ पे भी है। और फिर आप इसमें चेक कर दीजिए यहाँ पे क्या क्या कॉमन है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे नी और यहाँ पे भी नी, यानी हमको मालूम चल गया भाई ग्रीन का कोड क्या है जी आर डबल ई एन, ग्रीन का कोड क्या है एन ए ने। और कुछ कॉमन है क्या, चलिए चेक कर लेते हैं। इसमें देखिए यहां पे ई है और तीसरे नंबर पे यहां पे ई है, इसका कोड क्या है। इसमें देखो क्या कॉमन है भाई, यहाँ पे देखो टॉम कॉमन है और यहाँ पे भी टॉम कॉमन है, तो क्या हो गया इसका कोड क्या हो गया टॉम। अब दोस्तों आपसे क्या पूछ रहा है, एप्पल का कोड आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्पल बचा है और यहाँ पे क्या बचा है पिट, तो क्या हो गया एप्पल का कोड, एप्पल का कोड क्या हो गया पिट। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करते हैं। इन जो तीन सेंटेंस दिए हैं इनमें क्या करते हैं, हम लोग कॉमन चेक करते हैं क्या क्या कॉमन है, उनका कोड क्या क्या कॉमन है उनको निकाल लेते हैं, उसी से मालूम चलता है कि कोड कैसे कोडिंग किस टाइप से की गई है। जैसे आप यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका नी कॉमन था, यहाँ पे नी, यहाँ पे क्या था ग्रीन, ग्रीन कॉमन था, यानी हमको मालूम चल गया ग्रीन का कोड क्या हो गया नी। फिर पहले और तीसरे में चेक किया कि इज और इसमें भी इज, इसमें क्या कॉमन था भाई टॉम और इसमें भी टॉम कॉमन था, तो इसका कोड क्या हो गया टॉम। अब यहाँ पे एप्पल का आपसे पूछ रहा था तो और कुछ चेक करने की आपको जरूरत नहीं पड़ा भाई, यहाँ केवल एप्पल बचा, यहाँ पे केवल पिट बचा, इससे मालूम हो गया कि एप्पल कोड क्या हो गया पिट। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन में इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या है, पहला सेंटेंस क्या दिया है, बुडा बुक
क्या अर्थ है भाई? क्लियर वाटर। दूसरा क्या है भाई? पिंगोले का क्या अर्थ है? वर्क कास्ट स्काई, OVER कास्ट स्काई। तीसरा क्या है? पिन साफ बुका का क्या अर्थ है? क्लियर ब्लू स्काई। तो आपसे कोड क्या पूछ रहा है भाई? ब्लू का कोड आपसे पूछ रहा है, ब्लू का कोड आपसे पूछ रहा है। सेम जिससे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम उसी टाइप से इसको भी सॉल्व करते हैं। अब भाई हम लोग चेक करेंगे कि कॉमन क्या क्या है। यदि हम देखें पहले को तीसरे को चेक कर लेते हैं, यहां पे आप देख रहे हैं क्लियर और यहां पे देख रहे हैं क्लियर। इसमें कॉमन क्या क्या है? यहां पे कॉमन है देखो बुका और यहां पे कॉमन है बुका। यानी कि क्लियर की बात करें, क्लियर कोड क्या हो जाएगा आपका? बुका। और कुछ कॉमन है? यहां पे देखो स्काई और यहां पे देखो स्काई। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है भाई? यहां पे देखो पिन कॉमन है और यहां पे भी पिन कॉमन है। तो हम लोगों को पता चल गया भाई स्काई का कोड क्या हो गया? पिन। अब कोड क्या पूछ रहा है आपका? ब्लू का कोड आपसे पूछ रहा है। तो भाई तीसरे सेंटेंस में हम चेक करें तो क्लियर का हो गया, स्काई का हो गया, बचा क्या है? ब्लू। और इसमें क्या बच रहा है? सेफ। यानी साफ जो है ब्लू का कोड हो जाएगा, यानी कि ब्लू का कोड आपसे पूछ रहा है। तो ब्लू कोड क्या हो जाएगा? यस ए एफ। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इस टाइप से हम लोग दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेंटेंस को तीनों को लिख लिया और जो जो कॉमन हुआ उस हिसाब से हम निकाल लिया हमने। इसी तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है? किसी सांकेतिक भाषा में बस पहले क्या करना है आपको? सेंटेंस पूरा लिखना है। 786 क्या बोलते हैं भाई इसको? गिव मी एप्पल। ये तो हो गया पहला सेंटेंस। यदि हम दूसरे सेंटेंस की बात करें क्या बोल रहा है भाई? 958 इसका क्या हो जाएगा? ईट ग्रीन एप्पल। तीसरे सेंटेंस की बात करें तो क्या है? 645 इसका कोड क्या भाई? गिव ग्रीन फ्रूट। पूछ क्या रहा है आपसे? उसी भाषा में मी का कोड आपसे पूछ रहा है। तो पहले क्या करेंगे भाई? तीनों सेंटेंस में जो कॉमन है उसी हिसाब से निकाल लेते हैं। यहां पे आप पहले में देखो एप्पल और दूसरे में भी देखो एप्पल। और इन दोनों में क्या कॉमन है? यहां पे देखो 8 कॉमन है और यहां पे भी 8 कॉमन है। तो हमें पता चल गया भाई एप्पल का कोड जो हो गया, एप्पल का कोड आपका 8 हो गया। और कुछ कॉमन है? यहां पे देखो गिव और यहां पे भी गिव। अब इन दोनों की बात करें तो यहां पे देखो इसमें 6 कॉमन है, यहां पे देखो ये 6 है। यानी हमें मालूम हो गया कि गिव का कोड क्या हो गया? गिव का कोड क्या हो गया? 6। अब मी का कोड आपसे पूछ रहा है तो पहले सेंटेंस में देखो गिव का हो गया, एप्पल का हो गया, बचा क्या है? मी। और इसमें क्या बचा है? 7। तो मी का कोड क्या हो जाएगा? 7। मी का कोड आपका हो जाएगा 7। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं कॉमन कोडिंग डिकोडिंग के, थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे
चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है आप इस तरह से लिख सकते हैं, 1 + 2 + 3 क्या अर्थ है भाई इसका, दीज आर बॉयज। यदि हम सेकेंड सेंटेंस की बात करें, 1 + 3 + 4 का अर्थ क्या है, बॉयज आर नॉटी। तीसरे सेंटेंस की बात करें, 1 + 4 + 5 क्या हो जाएगा इसका, क्या अर्थ है भाई, naughty boys sing। तो आपसे कोड क्या पूछ रहा है, नॉटी के कोड आपसे पूछ रहा है, naughty नॉटी के कोड आपसे पूछ रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन सॉल्व किया सेम उसी टाइप से। पहले हम देख लेते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। यहां पे आप देख सकते हैं भाई बॉयज, यहां पे भी देख सकते हैं बॉयज। इन दोनों की बात करें तो क्या है, यहां पे वन तो क्या हो गया भाई, हमको मालूम चल गया कि बॉयज का कोड क्या हो गया, 1। अब यहां पे देखो दोस्तों, यहां पे आर, यदि इन दोनों में देखें तो यहां पे देखो 3 कॉमन है और यहां पे भी 3 कॉमन है, तो आर का कोड क्या हो गया, आर का कोड हो गया आपका 3। अब नॉटी का कोड आपसे पूछ रहा है, यहां दूसरे सेंटेंस में यदि हम देखें तो बॉयज का कोड हो गया, आर का हो गया, बचा क्या है नॉटी, और इसमें क्या बचा है 4। तो हमें मालूम चल गया नॉटी कोड क्या है 4, नॉटी कोड क्या हो गया 4। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में पहला सेंटेंस 3a, 2b, 7c अर्थ क्या है भाई, ट्रूथ इज इटर्नल। दूसरे सेंटेंस की बात करें, 7c, 9a, 8b, 3a इसका क्या है अर्थ, इम्यूनिटी इज नॉट इटर्नल। तीसरे सेंटेंस की बात करें क्या है भाई, 9a, 4d, 2b, 8b ट्रूथ डज नॉट पेरिश, ट्रूथ डज नॉट पेरिश। तो आपसे क्या पूछ रहा है भाई, इटर्नल का कोड आपसे पूछ रहा है, इटर्नल का कोड आपसे पूछ रहा है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों आप यहां पे देखिए, यहां पे इन दोनों को चेक करें तो यहां पे क्या है इटर्नल, और यहां पे भी देखो पहले और दूसरे सेंटेंस में इटर्नल कॉमन है। और कुछ कॉमन है क्या, हाँ एक चीज और कॉमन है, यहां पे देखो इच कॉमन है और इच कॉमन है। अब इन दोनों सेंटेंस में चेक करो भाई क्या क्या कॉमन, इसमें भी दो कॉमन मिल रहे हैं क्या, यहां पे देखो 7c कॉमन है, यहां पे 7c कॉमन है, और 3a भी कॉमन है, और 3a भी यहां पे कॉमन है।
अब दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं कि भाई इटरनल कोड 7C है या 3A है, या ईज का कोड 7C है या 3A है या 7C है। भाई इसमें क्या है, इटरनल कोड 7C है या 3A है, या फिर ईज का कोड 7C है या 3A है। ऐसे क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि हम लोग क्या करेंगे, पता नहीं लगा सकते हैं कि भाई इटरनल कोड 7C है या 3A है, या ईज कोड 7C है या 3 है। पता चल पा रहा है क्या, यदि हम इसको इटरनल कोड 7C मान लें, ईज कोड 3 होगा, इसमें क्या है, क्लियर हो पा रहा है क्या, नहीं हो पा रहा है, हम लोगों को नहीं मालूम चल रहा है कि भाई 3A है कोड या 7C है कोड। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ता है। आपको देखो यहाँ पे भी दो चीज कॉमन मिल गए, यहाँ पे दो कॉमन मिल गए, इसमें भी दो कॉमन मिल रहे हैं, तो क्या है, ऐसे स्थिति में हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं कि इसका कोड क्या होगा। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। अगला टाइप क्या है, लेटर टू सिंबल। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए क्वेश्चन से ही सीखते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। किसी कूट भाषा में, आप यहां पर इसे लिख सकते हैं, किसी कूट भाषा में P बराबर क्या है, हैज, A बराबर क्या है, परसेंटेज, C बराबर क्या है, डॉलर, E बराबर क्या दिया गया है, एट द रेट। तो उसी कूट भाषा में आपसे पी इसका कोड पूछ रहा है, PEACE, पी इसका कोड उसी भाषा में आपसे पूछ रहा है। तो आप यहां पे देख सकते हैं पी का कोड क्या है, हैश। ई की बात करें तो ई का कोड क्या है, एट द रेट। ए की हम देखें, ए को क्या कोड किया गया है, परसेंटेज। सी की बात करें तो सी का कोड क्या है, डॉलर। फिर अगेन ई की बात करें तो क्या है, एट द रेट। पी का कोड क्या हो गया, हैज, एट द रेट, परसेंटेज, डॉलर, एट द रेट। कौन सा ऑप्शन सही है, अब ऑप्शन से मिला लीजिए, हैज, एट द रेट, परसेंटेज, हैज, एट द रेट, परसेंटेज, डॉलर, एट द रेट, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहा। चलिए दोस्तों इस पे एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गेस्ट कोड क्या है, आप यहां पे लिखते चलिए, GUEST, कोड क्या है भाई इसका, 53@$2। और मैन का कोड क्या है, MEAN, मैन कोड क्या है, 6@$4, तो सेम का कोड आपसे पूछ रहा है, किसका, SAME, सेम का कोड आपसे पूछ रहा है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। अब दोस्तों यहां पे यदि हम लिखे सेम की बात करें कि SAME, अब यहां पे क्या है भाई, यस है, यहां पे देखो पहले यस है, अब इसमें देखो कि यस का कोड क्या है, अब क्वेश्चन देख सकते हैं यहां पे यस का कोड क्या है, डॉलर, हमें मालूम चल गया भाई यस का कोड क्या है, डॉलर, तो आप डॉलर लिख लिए। अब ए का चेक करेंगे अगेन, अब यहां पे देखो ए का कोड क्या है, 4, हमें मालूम चल गया भाई ए का कोड 4 है। एम की बात करें, एम में यहां पे देखो एम कोड क्या है, 6, हमें मालूम चल गया भाई कि एम कोड 6 है। अब ई की बात करें तो ई का कोड क्या है, यहां पे देखो ई और यहां पे देखो ई, ई का कोड क्या है, एट द रेट। सेम कोड क्या हो गया, $46@$ कौन सा ऑप्शन सही है, आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, $46@$ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहा है। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेटर टू
सिंबल से। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन इस पे और करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डाउन का कोड क्या है, डी ओ डब्ल्यू एन, डाउन का कोड क्या है, 5@9#। नेम का कोड आपको दिया है भाई NAME। नेम का कोड दिया है भाई #6%3। अब मोड का कोड आपसे पूछ रहा है, किसका कोड पूछ रहा है भाई, MODE। मोड का कोड आपसे पूछ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। MODE मोड कोड आपसे पूछ रहा है। पहले क्या है यम, अब इसमें चेक करके यम का कोड क्या है, यहां पे देखो यम है, कोड क्या है इसका, परसेंटेज। तो हमें मालूम चल गया भाई यम का कोड परसेंटेज है। यदि ओ की बात करें तो देखो यहां पे ओ है और यहां पे ओ का कोड क्या दिया गया है, @। इसी तरह हमको भाई ओ का कोड मालूम हो गया, @। अब हम नेक्स्ट का है हमारा डी। अब यहां पे देखो डी है, डी का कोड क्या है यहां पे, 5। आप डी का कोड 5 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट का है अगेन ई, ई का कोड यहां पे देखो क्या दिया गया है, 3। तो मोड का कोड हमको क्या मिला, %@53। कौन सा ऑप्शन सही है, %@53। अब ऑप्शन नंबर डी देखिए, %@53, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्रेन का कोड क्या है, लिखते चलिए यहां से, TRAIN, ट्रेन कोड क्या है, 39#7%। अब इसी तरह मील का कोड क्या दिया गया है, MEAL, मील कोड दिया है भाई $4@। आइटम कोड आपसे पूछ रहा है। ITEM कोड आपसे पूछ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। पहले नंबर क्या है, आप यहां पे अलग से लिख लीजिए, ITEM। आई का कोड यहां पे देख सकते हैं, आई कोड क्या है आपका, 7 लिख दिया। टी का कोड क्या दिया है, देखो यहां पे टी है, यहां पे टी कोड क्या है, 3 लिख दिया। अगेन है ई, अब यहां पे देखो कि ई है, ई का कोड क्या है, $। आप सीधा यहां पे ई का कोड $ लिख दीजिए। अगेन आप क्या है, यम, अब यम कोड यहां पे आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, 4। तो भाई मेल का आइटम कोड क्या हो गया, 73$4। कौन सा ऑप्शन सही है आप चेक कर लीजिए, $73, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहा। चलिए दोस्तों अभी अपना पांचवा टाइप वर्ड टू वर्ड। अब वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, चलिए क्वेश्चन से ही समझते हैं। ये पांचवा टाइप है हमारा वर्ड टू वर्ड। इसमें दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को शहद कहा जाए, शहद को लाल कहा जाए, तो कपड़े की धुलाई में क्या प्रयोग किया जाता है। यानी इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं वर्ड टू वर्ड से। ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, आपको पेन और पेपर का भी यूज करना यूज करने की जरूरत नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। तो हम क्या है, यहाँ पर चीजें सीख रहे हैं, इसलिए हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, ऐसे टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। भाई क्वेश्चन क्या दिया गया है, नारंगी, तो आप यहां पे लिख सकते हैं, नारंगी, नारंगी को क्या कह रहा है भाई, मक्खन,
नारंगी को मक्खन कह रहा है और मक्खन को साबुन, मक्खन क्या बोल रहा है साबुन, और साबुन क्या बोल रहा है स्याही। साबुन को स्याही और स्याही क्या बोल रहा है शहद, स्याही को क्या बोल रहा है शहद, और शहद को लाल बोला जा रहा है, शहद को लाल बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शहद को लाल कहा जाए तो कपड़े की धुलाई में क्या प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे भाई कपड़े की धुलाई में क्या प्रयोग किया जाता है, क्या हमको मिल जाए कि हम लोग कपड़े को धो सकते हैं, धो सकते हैं, कौन सी चीज ऐसी है जिससे हम कपड़े धोते हैं। तो हमको पता है भाई कपड़े की धुलाई में साबुन मिल जाए तो हम लोग कपड़े को धो सकते हैं, यानी कपड़े को धोने का इस्तेमाल किसका इस्तेमाल किया जाता है साबुन का। अब क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि साबुन को क्या बोल रहा है, साबुन को क्या बोल रहा है स्याही, यानी क्या हमको स्याही मिल जाए तो हम लोग कपड़े को क्या करेंगे धो सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। साबुन को आप देख सकते हो साबुन को क्या बोल रहा है स्याही, तो उस कपड़े की धुलाई में क्या होता है साबुन का यूज होता है, और साबुन को बोल क्या रहा है स्याही, तो हमको स्याही मिल जाए तो हम लोग कपड़े को धो सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं भाई वर्ड टू वर्ड से। अब चलिए इस पे एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अब क्या दोस्तों, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप ही सीखेंगे। यदि आप क्वेश्चन का, यदि आग को पानी कहा जाए, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आप यहीं से चाहे तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से, लेकिन हम लोग लिख के करते हैं। यदि आग को का क्या कहा जाए पानी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं आग को क्या बोल रहा है पानी, और पानी को क्या बोल रहा है हवा, पानी को क्या बोल रहा है हवा, और हवा को क्या बोल रहा है भोजन, हवा को भोजन बोल रहा है, और भोजन क्या बोल रहा है भूख, भोजन को भूख बोल रहा है, और भूख को प्यास कहा जाए, भूख को प्यास कहा जाए, और प्यास को क्या बोल रहा है, प्यास को तपिस, प्यास को तपिस बोल रहा है, और तपिस को क्या बोल रहा है ठंडक, तपिस को ठंडक बोल रहा है। तो यहां पे देखो क्या बोल रहा है, तपिस को ठंडक। तो प्यासे को किस चीज की जरूरत होती है, किसी प्यासे को किस चीज की जरूरत होती है पानी की। अब क्वेश्चन में आप देखो पानी को क्या बोल रहा है, यहीं पे देखो क्वेश्चन में आप देख सकते हो पानी को क्या बोल रहा है हवा, पानी को क्या बोल रहा है हवा, यदि हवा मिल जाए तो प्यासे की प्यास बुझ सकती है, क्योंकि हमको यहाँ देखा किसी प्यासे को किस चीज की जरूरत होती है पानी की, और पानी को बोल क्या रहा है हवा, यानी हवा मिल जाए तो हमारा प्यास बुझ सकता है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इस टाइप से वर्ड्स टू वर्ड्स क्वेश्चन बनते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन इस पे और करेंगे, क्या चीज एकदम आसान हो जाए। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, अब इसमें दोस्तों आप यही डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, पुस्तकालय को क्या बोल रहा है न्यायालय कहा जाए, न्यायालय को विद्यालय कहा जाए, और विद्यालय को, अब यहां पे चलिए लिखते चलिए, पुस्तकालय को क्या बोल रहा है न्यायालय, पुस्तकालय को न्यायालय बोल रहा है, और न्यायालय को क्या बोल रहा है विद्यालय,
न्यायालय को विद्यालय बोल रहा है, अब विद्यालय क्या बोल रहा है, व्यायामशाला। विद्यालय को व्यायाम शाला बोल रहा है और व्यायाम शाला क्या बोल रहा है, सभागार। व्यायाम व्यायाम शाला क्या बोल रहा है, सभागार। यहां पे देखो सभागार को क्या बोल रहा है, सिनेमा घर। सभागार को क्या बोल रहा है, सिनेमा घर। सिनेमा घर और सिनेमा का घर क्या बोल रहा है, अस्पताल। सिनेमा घर को क्या बोल रहा है, अस्पताल। अस्पताल, अब यहां देखो सिनेमा घर को अस्पताल कहा जाए तो बताएं कि लोगों के मुकदमे का फैसला कहां होता है। भाई लोगों के मुकदमे का फैसला कहां होता है, न्यायालय में। लोगों के मुकदमे का फैसला कहां होता है, न्यायालय में। अब क्वेश्चन में आप देख सकते हैं न्यायालय क्या बोल रहा है, यहां पे देखो न्यायालय क्या बोल रहा है, विद्यालय। न्यायालय को क्या बोल रहा है, विद्यालय। कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, आप यहां भी देख सकते हो भाई, न्यायालय क्या बोल रहा है, विद्यालय। हम जानते हैं भाई मुकदमे का फैसला कहां होता है, न्यायालय में, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, न्यायालय क्या बोल रहा है, विद्यालय। कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हाँ, क्या है, पीले को लाल, आप यहां लिख सकते हैं भाई, पीला को क्या बोल रहे हैं, पीला को बोल रहा है लाल, और लाल को क्या बोल रहा है, लाल को बोल रहा है नीला, और नीला को क्या बोल रहा है, नीला को हरा, हरा को सफेद, सफेद और सफेद को काला, सफेद को काला। यहां पर देखो क्या बोल रहा है, पीला को लाल बोल रहा है, लाल को नीला, नीला को हरा, हरा को सफेद और सफेद को काला। कहा जाए तो घास का रंग क्या होगा, घास का रंग क्या होगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। भाई घास का रंग क्या होता है, हरा। अब आप क्वेश्चन देख रहे हो हरे को बोला क्या जा रहा है, हरा क्या बोल रहा है, सफेद। हरा को यहां पर देख लो, हरा क्या बोल रहा है, सफेद। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं। यदि बरसात को क्या बोल रहा है, जल। आप यहां पर लिख सकते हैं बरसात को क्या बोल रहा है, जल, और जल को क्या बोल रहा है, सड़क। जल को क्या बोल रहा है, सड़क, और सड़क को क्या बोल रहा है भाई, बादल। सड़क को बोल रहा है बादल, बादल क्या बोल रहा है, आकाश, और आकाश को क्या बोल रहा है, आकाश को बोल रहा है समुद्र, और समुद्र को क्या बोल रहा है, समुद्र को बोल रहा है पगडंडी, पगडंडी। तो यहां पे देखो समुद्र को पगडंडी कहा जाए तो वायुयान कहां उड़ेगा, वायुयान कहां उड़ेगा,
वायुयान कहां उड़ता है, कहां उड़ता है भाई वायुयान, आकाश में। वायुयान कहां उड़ता है, आकाश में। अब क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आकाश को क्या बोल रहा है, आकाश को बोल रहा है समुद्र। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में भी देखो आकाश को क्या बोल रहा है, समुद्र। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।